वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप आपने इस ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट देख लिया है। ये ब्लॉग है 16 अप्रैल का और ये ईशान के बर्थडे का ही ब्लॉग है, उसका सेकंड पार्ट है। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके पार्ट वन वाला ब्लॉग देख सकते हैं। तो अभी शाम का टाइम है, यहाँ पे मैं शाम की चाय बना रही थी, करीब 6:30 कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा था। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डेकोरेशन। अभी डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है, चाय हमने पी लिया है और मुझे बैलून फुलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह के पास अगर फट जाए तो मुझे लग जाएगी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं पंप करके उसे फुला सकती हूँ, डेकोरेशन कर सकती हूँ, बट मुंह से हवा भर के बैलून फुलाना ये मेरे बस की बात नहीं है। बचपन में हम लोग बहुत ज़्यादा बैलून फुलाते थे, बट अभी नहीं होता है मुझसे। मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है ना कि मैं मतलब मुंह से हवा भर के बैलून फुला ही नहीं सकती। और इधर मेरी नानी को देखो, मतलब ओ माय गॉड, वो कितनी फटाफट सारे बैलून्स फुला रही थी। और ईशान को भी अभी उतना नहीं आता, आपने देखा ही है इसके पहले वाले क्लिप में, बट अमित और नानी को पूरा क्रेडिट जाता है कि इतने सारे, आई थिंक 100 बैलून्स थे या फिर 70-50 ऐसे कुछ बैलून्स थे, तो इतने सारे बैलून्स दोनों ने मिल के फुलाए हैं। इधर डेकोरेशन भी चल रही थी और साथ ही साथ डैडी कुकिंग भी कर रहे थे, क्योंकि ईशान को रात को खाना था फ्राइड चिकन और नूडल्स, तो उसमें भी डैडी लगे हुए थे और डेकोरेशन में भी हेल्प कर रहे थे। और मैंने इस तरह से प्लानिंग किया था कि जब केक कटिंग होगा तब सबको वीडियो कॉल लगाएंगे, मतलब जैसे मेरे मायके में, मेरे ससुराल में और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्यों, वो मैं आपको बता दूँ। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते हैं तब तो आपको पता ही होगा कि पहले हम लोग तमिलनाडु में ही रहते थे और वहाँ पे मेरे अंकल इन लॉ और उनकी फैमिली रहती है, तो इस वजह से ये तीन जगह पे वीडियो कॉल मुझे मैंने सोचा था कि लगाएंगे। ईशान की मासी यानी रिया को भी मुझे वीडियो कॉल लगाना था, बट उससे कनेक्ट नहीं हो पाया था, तो बस इसी तीनों को लगाना था, मतलब बस इसी तीनों प्लेस में लगाना था वीडियो कॉल, ताकि सब इकट्ठा ऐसे लगे कि इकट्ठा सब एक ही जगह पे है और ईशान को भी थोड़ा अच्छा फील हो।
रेडी हो केक कट करने के लिए? ओके चलो सबको वीडियो कॉल करते हैं। मैं कर देती हूँ। और ये देखो इधर हमारा कियान भी रेडी है। हाँ ये देखो नानी से बात करो। इधर इधर। हेलो मैं केक कट करूंगा। मैं केक कट करूंगा। कैंडल को फू करो जोर से। अरे फिर से जल रहा है कैसे? बार बार जलेगा। ओके अरे फिर से चलो सब बोलो। ओ तुम्हें ईट धोना जाकर तो धोना। देखो देखो देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुमरा सबाई बोलो। कौन सा केक है सबको बता दो। केक ठीक से बोलो। जोश को तुमने केक भी नहीं दिया। अरे नहीं नहीं उसको उसको नहीं खिलाना है।
केक कटिंग हो गया। ईशान को अपना केक बहुत पसंद आया, उसका फेवरेट कैरेक्टर का केक अमित लेके आए थे और मैंने उसको बोल के रखा था कि तुम्हारे लिए प्रिंसेस वाला केक लेके आएंगे डैडा, और ये उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि उसे मार्शल का फायर ट्रक वाला केक मिला और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और सबसे वीडियो कॉल करके सबसे बात किया और अभी हम लोग डिनर बना रहे हैं। तो बस इस ब्लॉग में यहीं तक शेयर किया था आप सबके साथ। आई होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा है और ये एक स्पेशल मोमेंट था जो कि मैं शेयर करना चाहती थी, एक ऐसा मोमेंट जिसे मैं हमेशा कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इसे अपलोड किया। आई होप कि आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा और मिलते हूँ बहुत ही जल्द मेरी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ और मिलते हैं बहुत ही जल्द।